सदस्य बनने का गौरव बहुत कम लोगों को मिलता है। आप सब उस गौरव के हकदार हैं, उस सौभाग्य के हकदार हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जिन्होंने प्राइज जीता है आज, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने प्राइज को जीतने में कंट्रीब्यूशन किया है, उन सबको उससे भी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। साथियों, हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। किसी भी देश की लाइफ में, किसी राष्ट्र की लाइफ में 75 वर्ष हो तो शायद इस हिस्ट्री के स्केल पर एक छोटा सा पॉइंट होगा, लेकिन व्यक्ति की लाइफ में और ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में 75 वर्ष बहुत बड़ा पीरियड होता है। इसमें आप लोगों ने बहुत अचीवमेंट्स किए, आपने, आपसे आने वाली, आपसे पीछे वाली जनरेशन्स ने बहुत अचीवमेंट्स किए, लेकिन हम एक ऐसे कस्प पे खड़े हैं, एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़े हैं, जिसमें देश को हमसे जो अपेक्षाएं हैं, देश को हमसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जिस लेवल पे हम हैं उससे कई गुने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए जिस तरह की टीम चाहिए, जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट का लेवल चाहिए, जिस तरह का टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने का एक जज्बा चाहिए, जिस तरह से पूरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देने का जो एक माइंडसेट चाहिए, वो माइंडसेट मैं आपसे आज इस ओकेजन पे 5 या 10 मिनट आपसे चर्चा करूंगा। साथियों, मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं और बहुत ओपनली कहता हूं, अगर हम रेलवे के किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कंपेयर करें भारत सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी के साथ, तो रेलवे का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का डोमेन लेवल यहाँ है तो भारत सरकार के किसी भी जॉइंट सेक्रेटरी का ये लेवल है। इतना डिफरेंस है। इंडिविजुअल एक्सीलेंस, इंडिविजुअल डोमेन नॉलेज, इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस अमेजिंग है, बहुत अच्छी है, बहुत हाईएस्ट ऑर्डर की है। कलेक्टिवली हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। कलेक्टिवली हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे सिस्टम्स में बांध चुके हैं, ऐसी बेड़ियों से जकड़ चुके हैं कि हम कहीं ना कहीं जो हमारा परफॉर्मेंस है, हमारे पोटेंशियल से हम अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाते। ऐसा क्यों है? ऐसा हम सबको लगातार सोचना चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए। और मुझे इतनी खुशी है, करीब करीब जितनी भी फील्ड ट्रिप्स हुई, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह जो आप सब ने इनपुट्स दिए, हर एक इनपुट इतना लॉजिकल था, हर एक इनपुट इतना सटीक था कि आज रेलवे बोर्ड, आपके सामने पूरा बोर्ड है, रेलवे बोर्ड ने बहुत सारे जो पिछले दिनों में सिंप्लीफिकेशंस किए वो सब आप ही के इनपुट्स के बेसिस पे किए, आप ही के सुझावों के बेसिस पे किए। एक फंडामेंटल चेंज कल आप सबके सामने आया होगा। इस तरह का जब फंडामेंटल चेंज आता है तो माइंड में कुछ डाउट्स भी आते हैं, स्वाभाविक है, नेचुरल है। मैं उसको हेड ऑन एड्रेस करना चाहूँगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी इंडिविजुअल एक्सीलेंस हो, उसको अगर कलेक्टिवली उतना ही स्ट्रांग बनाना है, इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस को मल्टीप्लायर बनाना है, तो उसमें जो टॉप लीडरशिप का सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही सटीक होना चाहिए।
प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, प्योरली रोल के लिए सुटेबिलिटी के बेसिस पे होना चाहिए। यानि कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी, परफॉर्मेंस, आगे के लिए विजन, इन सब को देख के लीडरशिप तय होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा जहाज है, जिस जहाज को अगर 1 डिग्री भी हमें चेंज करनी है डायरेक्शन, तो कई बार घुमाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत तभी संभव है जब टॉप से लेके बॉटम तक हर कोई एक डायरेक्शन में, जैसे वेक्टर होता है, सारे के सारे वेक्टर्स एक डायरेक्शन में अगर फोर्स को लगाएं तो वो फोर्स ऐड होता है, अलग अलग दिशाओं में रहेंगे तो माइनस होता है। तो टॉप से लेके बॉटम तक अगर सभी लोग कॉम्पिटेंस पे ध्यान देंगे, परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे, गोल को अचीव करने पे ध्यान देंगे, और अगर ये दिमाग में आएगा कि अगर मैं कॉम्पिटेंट हूँ तो मुझे कोई ऊपर बढ़ने से रोक नहीं सकता, वो जब फीलिंग आएगी तो इतने बड़े शिप में, इतने बड़े जहाज में, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मोमेंटम आएगा। इसी थॉट प्रोसेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लीडरशिप के सिलेक्शन के प्रोसेस को चेंज किया गया है। बहुत ही ओपन माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप है अभी आपके सामने। कोई भी अगर माइंड में डाउट हो, कभी भी आप पूछिएगा किस इंटेंट के साथ कर रहे हैं, किस भावना के साथ चेंज ला रहे हैं, उस भावना को हम क्लियरली आपके सामने रखेंगे। लेकिन आने वाले समय में, जैसा चेयरमैन साहब अभी आपके सामने रख रहे थे, हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे सेटिस्फैक्शन, सेलिब्रेशन, अभी उसके लिए समय नहीं है। अभी उस लेवल से बहुत ज़्यादा अचीव करने के बाद में ही हमें कहीं पे सेलिब्रेट करने का एक टाइम मिलेगा। अभी हम 14-18 पे हैं, या 4.3-4.4 मिलियन टन पर डे पर है, या 2.5 बिलियन NTKM पर डे के बेसिस पे चल रहे हैं अभी, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो केवल एक बेस है, ऐसा मान के हमें चलना है। उससे बहुत ही एक ऑर्डर्स मोर देन दिस, मल्टीपल्स ऑफ दिस अचीवमेंट अभी हमको करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश को एक्सपेक्टेशंस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एक्सपेक्टेशंस है। आज भी हमारी टेक्नोलॉजी कई बार 1970s की है, 1950s की है, चेंज करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ, चेंज की ज़रूरत है। मानना पड़ेगा हमें कि हम जिस लेवल पे हैं वो लेवल हमारे लिए अभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बहुत आसान है अपने आप को कि ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, बहुत आसान है वो कहना, बहुत आसान है अपने आप को ही शील्ड्स दे देना। लेकिन भारत की जनता हमको क्या सर्टिफिकेट देती है, वो हमारा रियल सर्टिफिकेट होगा, और वो सर्टिफिकेट आएगा जब हम कमर कस लेंगे, क्लियर विजन के साथ आगे चलेंगे, जो भी मेहनत की ज़रूरत पड़ी वो मेहनत करेंगे, एक ओपन माइंड के साथ टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करेंगे, एक बहुत ही कॉर्डियल अपने आप को, पूरी टीम को साथ लेके काम करेंगे, हायरार्कीज को ब्रेक करेंगे। ऐसी क्या बात हो कि कोई एक जूनियर इंजीनियर मेंबर को सजेशन ना दे सके? ऐसा क्यों हो कि वन वे कम्युनिकेशन ही हो केवल?